नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरीश असवाल। आप देख रहे हैं भारत एट नाइन। आज उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। मेरे मन में एक विचार आया कि इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में होने तो जा रहा है, क्या इसका फायदा होगा या इसकी जड़ों तक सरकार गई कि इन्वेस्टर समिट से पहले उत्तराखंड को वाकई किस चीज़ की पहले ज़रूरत थी, या फिर इन्वेस्टर समिट ग्लोबली एक दिखाने का तरीका है कि इन्वेस्टर समिट से हम उत्तराखंड के अंदर रोजगार ला रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर बहुत पैसा आने वाला है और बहुत नौकरियां मिलने वाली हैं। उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्टर समिट से पहले हमें उत्तराखंड की बात करनी बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड आज 22 साल का उत्तराखंड हो चुका है। 22 साल में हमने क्या खोया और क्या पाया, इसकी भी चर्चा जरूरी है। उत्तराखंड में क्यों लोग पलायन कर रहे हैं, ये विषय सबसे बड़ा है और पुराना है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा विषय पलायन का है, जिसको हम टीवी स्क्रीन पर आकर कई बार आप लोगों से चर्चा भी करते हैं। चर्चा करने के साथ साथ हम उसकी चिंता भी व्यक्त करते हैं, पर उस चिंता का असर नहीं हुआ तो उस चिंता का कोई फायदा नहीं। तो मुझे लगा कि आज इन्वेस्टर समिट है, इन्वेस्टर समिट के ऊपर सबसे पहले सरकारों ने क्या पलायन के ऊपर ध्यान दिया, सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया, हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत आप देख सकते हैं, जिस तरह से टनल्स टूट रही हैं और कितने दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन चला, क्या उत्तराखंड इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयार है, क्या उत्तराखंड के नौजवान तैयार हैं वहाँ रुकने के लिए, या जो वहाँ पर रुके हुए लोग हैं वो इतने सक्षम हैं कि उत्तराखंड का कुछ भला होगा तो वो लोग कहीं योगदान दे पाएंगे, या उन लोगों का कोई फायदा होने वाला है। इन सभी सवालों के साथ मैं भारत एट नाइन में आपके सामने आया हूँ और मुझे लगा कि ये सही समय है जहाँ मैं आपसे उत्तराखंड के बारे में बात करूँ। हमने कई बार सवाल उठाए, सरकारों से भी सवाल उठाए, जब जब चुनाव होते हैं शायद मंत्रियों के विधायकों के दर खुल जाते हैं हम लोगों के लिए, और हर वक्त इंटरव्यू देने के लिए वो तैयार रहते हैं, क्योंकि एक चैनल ही माध्यम होता है कि जहां वो अपने एक इंटरव्यू से अपने इलाके में अपने आप को, अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। तो इस टाइम पे हम लोगों को ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक फ़ोन कॉल पे हमें इंटरव्यू अरेंज हो जाता है। पर उनके जीतने के बाद क्या हम आपकी समस्याओं को उन तक रख कर आपको कोई समाधान दे पाते हैं? मैं समझता हूँ नहीं। मैं उसमें से एक व्यक्ति जो इंटरव्यू करता हूँ, उनसे सवाल पूछता हूँ, पर क्या समाधान दे पाया, मुझे लगता है नहीं। चलिए अब उत्तराखंड की समस्या और इन्वेस्टर समिट दोनों साथ साथ। कहा जाता है कि धामी जी लंदन गए, बहुत प्रपोजल इकट्ठे करके लाए हैं वहाँ से और बहुत पैसा आने वाला है। मैं कहता हूँ कि अब बहुत सारे प्रपोजल कितने धरती पे उतरने वाले हैं वो बड़ा विषय होगा। क्या जो पहले से इंडस्ट्री चल रही है कभी आपने उनका निरीक्षण किया, वो किस किस समस्याओं से जूझ रही है, क्या लोकल उनको सपोर्ट मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, उनको सामान के लिए आज भी दिल्ली की तरफ दौड़ना पड़ता है, जिससे लगे उद्योग और उद्योगों में ज़रूरत के सामान आज भी उत्तराखंड में उपलब्ध नहीं है, अगर उपलब्ध हैं तो इतने महंगे कि वहाँ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो क्या इन समस्याओं पे कभी सरकार ने ध्यान दिया? आज मैं उन्हीं शब्द में से कुछ सरकार का ध्यान उन समस्याओं के ऊपर ले जाना चाहता हूँ। जिस प्रकार से मैं बोलूँ कि ज़मीन, उत्तराखंड की ज़मीन का क्या होगा, उन गांवों का क्या होगा जहां कुछ चंद लोग बचे हैं,
लोगों ने कहा कि हम यहाँ कोई फसल नहीं उगा पाते, यहाँ कोई फसल होती नहीं है, कभी पानी की समस्या, कभी किसी चीज़ की समस्या हमारे साथ रहती है, और ज़्यादातर जंगली जानवरों की समस्या उनके सामने रहती है। क्योंकि कारण है, जंगली जानवर अगर गांव की तरफ आ गए हैं तो गांव के लोग शहरों की तरफ चले गए, तो दोनों तरफ से पलायन हुआ है, जानवरों का भी और इंसानों का भी, क्योंकि जंगल में खाने को कुछ बचा नहीं है और गांव में रहने वाले इंसान नहीं है, तो जानवरों ने गांव में ही अपना आशियाना बना लिया, उन उजड़ मकानों में, उन फसलों पे जो थोड़ी बहुत वहाँ होती है। ऑर्गेनिक की बात करें और ऑर्गेनिक की जड़ों को हम भूल जाएं तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज पूरी दुनिया ऑर्गेनिक की बात करती है और बार बार ये कहती है कि ऑर्गेनिक अगर खाना खाएं, बिना पेस्टिसाइड का खाना खाएं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। पर वो बिना पेस्टिसाइड का खाना आएगा कहाँ से, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, वो नहीं होती। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर आज रोजगार की, एजुकेशन की, स्वास्थ्य की कितनी समस्याएं वहाँ पर खड़ी हैं, अगर किसी महिला को रात में अगर प्रेगनेंसी में दर्द उठ जाए तो उसके पास रात में अस्पताल नहीं है कि जहाँ पर वो डिलीवरी करा सके। आज भी उन गांवों में वही पुरानी प्रथा, दाई प्रथा वहाँ पर है। तो कैसे आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड विकसित हो चुका है, जवान हो चुका है? मैं तो कहूँगा उत्तराखंड और पिछड़ गया है। कौन रुकेगा वहाँ पर? क्या किताबों में हम इस तरह के जब अस्पताल बनाते हैं तो क्या वहाँ डॉक्टर होते हैं? मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहता, और जिन डॉक्टरों को ये मेरा प्रोग्राम सुनाई दे तो वो समझ लें कि आपको समाज ने बनाया है, आप समाज के बनाए हुए डॉक्टर हैं, ना कि आप समाज बना रहे हैं। आपको समाज को रिटर्न तो करना पड़ेगा, और इस पे अंकुश गवर्नमेंट लगा सकती है, जहां से उन डॉक्टरों को विवश करना होगा कि आपको गांव में अपने करियर के 3 से 5 साल गुजारने पड़ेंगे, और प्रतिदिन आपको, प्रति रात आपको उसी गांव में रहना पड़ेगा, आपको, आपके परिवार को वहां रहना पड़ेगा। आप इमरजेंसी सेवा के अंतर्गत आते हैं, आपको इमरजेंसी सेवा के साथ रहना पड़ेगा। पर हर डॉक्टर, हर टीचर पहाड़ में नौकरी नहीं करना चाहता, वो सीधा देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, जो कि मैं इन तीनों की बात इसलिए करी क्योंकि ये कहीं ना कहीं से पहाड़ों के द्वार हैं, और यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं, अच्छे स्कूल हैं, अच्छे अस्पताल हैं, अच्छे मॉल हैं, जहाँ ये डॉक्टर्स अपने परिवारों को पालना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं, और अपने आप को भी वहीं रखना चाहते हैं। तो इन डॉक्टर्स को भी समझना होगा कि समाज को आपको रिटर्न तो करना पड़ेगा। अगर आप आपके अंदर वो इंसानियत नहीं बची है तो आपसे जबरन वहाँ करवाना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं है कि कहता हूँ कि सरकार जबरन नहीं करती, पर आए दिन मंत्रियों के यहाँ भीड़ रहती है कि मेरा ट्रांसफ़र गांव से करा दो, फर्जी बातें लिखकर एप्लीकेशन लिखते हैं कि मेरी कमर की समस्या, मेरी माताजी की समस्या, मेरे परिवार की समस्या, मेरी बहनों की समस्या, दुनिया भर की समस्याएं लिखकर मंत्री के यहाँ लेटर लेके ये लोग भीड़ लगा के खड़े रहते हैं और कहते हैं कि हम पहाड़ में रहने में असमर्थ हैं, कारण ये हैं, हमारी माताजी की सेवा नहीं हो पा रही है, हम अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, ये सब समस्याएं उनके लेटर पे देखी जाती हैं। ऐसा मैंने देखा है, इसलिए मैं ये कह पा रहा हूँ। पर इनको उनकी समस्या नज़र नहीं आती जो उन गांव में रहते हैं, या उस गांव में इनके कारण नहीं रहना चाहती क्योंकि वहाँ पर ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है। सड़क जरूर गाँव गाँव तक पहुँच गई, नल जरूर गाँव गाँव तक पहुँच गए, ये सरकार का
बहुत अच्छा पहल है कि जहां सरकार ने बिजली, सड़क, नल आपके घर तक पहुंचाया, पर कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी बनती हैं जहां पर आपको भी गांव में आकर बसना होगा। मैं उन्हीं सभी डॉक्टरों से, एक छोटा सा ये मेरा वो था, हो सकता है मैं कुछ आप लोगों से गुस्से में ये बात बोल रहा हूँ, पर ये लोगों की भावनाएं हैं, इसके कारण उत्तराखंड खाली हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम भूमि पर चलें, जहां ऑर्गेनिक की बात हम करते हैं पर वहां हम कुछ उपजा नहीं रहे, तो ऑर्गेनिक कहां का? देहरादून का चावल दुनिया में फेमस था, पर आप देहरादून जाके देहरादून का चावल अगर आप ढूंढ के बता दें तो मैं आपको मान जाऊं। देहरादून के चावल बासमती चावल के नाम से आपको दुनिया भर के ब्रांड मिल जाएंगे, पर खेत नहीं मिलेंगे। वो पहाड़ों के राशन, मंडवा, झंगोरा, वहां की दाल, तूर की दाल, कितनी प्रकार की, जिनका रेट आज नॉर्मल जो शहरों में होने वाली या मैदानी क्षेत्र में होने वाली दालें हैं उनसे ऊपर है, क्योंकि ऑर्गेनिक के नाम पे बेची जाती है। तो थोड़ी बहुत ये जो खेती बची है इसको बचाने की आवश्यकता है। सरकार को इस पे कड़े नियम लाने पड़ेंगे, जहाँ पर ये बन सकते हैं यहाँ पर एक प्रयोगशाला खोलनी पड़ेगी कि कौन सी फसलें ऐसी हों जिनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो पाए, कौन से ऐसे फल हों जिनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और पशु उसको ना खाए। ऐसी रिसर्च काफ़ी सारी है। पहाड़ों में कीवी बहुत अच्छे से हो सकती है, इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, और जब तक बात इसके विशेषज्ञ नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिन्होंने पहाड़ों में अपनी जीविका चला रहे हैं और बहुत अच्छी जीविका चला रहे हैं, पर कितने लोग, ये सोचने का विषय है। अब आप आ जाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे कि मैंने कहा कि टनल जैसी आपने घटनाएं सुन ली होंगी, और ऐसी कई घटनाएं उत्तराखंड के अंदर होती रहती है, कहीं सड़क धस जाना, कहीं टनल गिर जाना, कहीं ब्रिज गिर जाना, और कई बारी सैलाब आ जाना, इस तरह की उत्तराखंड के अंदर घटनाएं होती रहती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उत्तराखंड पहले तैयार है कि नहीं है, या उस पर चेंजेस कर करके आपने उसको तैयार कर दिया है? लाखों की तादाद में पेड़ आपने काट दिए हैं जो वहां की सुंदरता थी। जिस मौसम के लिए उत्तराखंड जाना जाता था वो उत्तराखंड शायद अब बचा नहीं है। अगर मैं कुछ गलत कहूं तो मुझे बताना। उत्तराखंड में अगर प्लेन के इलाके में आप देहरादून और ऋषिकेश तक आप जाते थे, कभी वहां पर आपको कूलर और एसी नहीं मिलते थे। आज हर घर में एसी है, हर कमरे में एसी है, कूलर तो अब वहां भी पुराना हो गया है। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो वहां पर भीड़ इकट्ठी कर दी है, और कुछ चंद पैसों के लालच में उत्तराखंड वासियों ने अपनी जमीन बेच दी है, ये गलती उत्तराखंड वासियों की भी है, क्योंकि जो समर्थ थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने भेज दिया, एजुकेशन आपने बाहर दे दी, तो वो वापस नहीं आना चाहते। आप के अंदर सामर्थ्य था, आपने अपने बाहर मकान बना लिए, तो अब गांव से वो प्रेम आपका भी खत्म हो गया। तो इन्वेस्टर समिट कितनी भी होती रहे उसका कोई फायदा होगा नहीं, जब तक कि वहाँ के लोग वहाँ पर नहीं वापस आएंगे और उसके नियम कड़े नहीं होंगे, तब तक ऐसे इन्वेस्टर समिट होते रहेंगे, हम अपने उत्तराखंड को खोते रहेंगे, और ज़मीन पर आपको कुछ और ही मिलेगा। कंक्रीट के जंगल तो मिलेंगे पर आपके जंगल कट चुके होंगे। अब मैं बता दूं सॉल्यूशन क्या हो सकता था यहां पर, जिस प्रकार से बाकी राज्यों में लाडली बहन योजना, फ्री एजुकेशन योजना, हर परिवार को 1,000-1,200 रुपये हर महिला को देना, किसान
किसानों को 500 रुपये 1000 रुपये तक पहुंचाना, इसी प्रकार की कुछ योजनाएं उत्तराखंड के लिए भी हो सकती थी, या है तो उनको समाज तक पहुंचाने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप एजुकेशन हर वर्ग के लिए फ्री नहीं करोगे, आपको आज से शुरू करना पड़ेगा। ये सरकारों से सवाल है मेरा, आपको आज से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप केजी से लेकर पीजी तक की एजुकेशन अगर आप हर क्षेत्र में फ्री कर दें, हर स्कूल में फ्री कर दें, तो मैं समझता हूँ कि आपको ज़्यादा नहीं 15 साल में आप उत्तराखंड का नक्शा बदल सकते हैं। कि जो बीत गया वो तो गया, पर आने वाले 15 सालों में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, हर व्यक्ति वहीं होगा अपने उत्तराखंड में, क्योंकि उसे फ्री एजुकेशन मिल रही होगी। स्वास्थ्य को लेकर से मैंने चर्चा की कि अस्पतालों को गांव में होना बहुत ज़रूरी है, और 24 घंटे उपलब्ध डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके कहीं उत्तराखंड को बचा सकते हैं। और भूमि विक्रय पर रोक लगनी बहुत ज़रूरी है। एक कड़वा सत्य, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ इसलिए मेरे अंदर ये दर्द है, एक कड़वा सत्य, आज उत्तराखंड के लोग अपनी जमीन बेचकर उन भार वालों को और फिर उन्हीं के यहाँ चौकीदारी करना, उन्हीं के बर्तन मंजाना, कहाँ का सत्य है? कौन से उत्तराखंड की बात कर रहे हो? जिस उत्तराखंड से आज देश के शीर्ष पे बैठे हुए व्यक्ति, जहां आप कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड के हैं NSA साहब, हमारे उत्तराखंड के थे रावत जी, हमारे उत्तराखंड के हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, पर हमारे उत्तराखंड के लोग होटल में बर्तन भी मंजा रहे हैं, बिस्कुट की फैक्ट्री में लुधियाना में काम भी कर रहे हैं, पर हम सिर्फ चर्चाओं में उनकी बात करते हैं और कुछ नहीं। और सबसे बड़ा, जिसको मैं मुहिम को काफ़ी समय से लेता हुआ चल रहा हूँ, और काफ़ी मैंने कांग्रेस के नेताओं से भी सवाल किए जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उसी प्रकार से मैंने BJP के उच्च अधिकारियों से, नेताओं से, सभी से ये सवाल किए कि नशा कब बंद होगा, नशा कब बंद होगा। नशा इस तरह से फैलता जा रहा है उत्तराखंड में, मुझे आज बोलते हुए कोई शर्म नहीं आए कि जो हम लोगों के लिए बनता जा रहा है कि सूर्य अस्त और पहाड़ी मस्त। अगर कुछ गलत कहूं तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे ऑन स्क्रीन ये बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि ये हमारे लिए बोला जाता है, और हमारा सर झुक जाता है उस वक्त जब इस तरह के शब्द उत्तराखंड के लिए उपयोग होते हैं। शादियों में शराब परोसना और शाम को शराब की बात करना, जब तक ये बंद नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने कांग्रेस की गवर्नमेंट में पूछा था तो पता लगा कि कांग्रेस के गवर्नमेंट के कुछ लोग ही अपना ब्रांड लेके आ गए हैं, क्योंकि शराब में सबसे ज़्यादा मार्जिन पाया जाता है। डेनिस समथिंग उनका ब्रांड था, तो मैं उनसे क्या बंद करवाता। मेरे ऑन स्क्रीन कैमरा पर तो वो बहुत कुछ बोले, बट कहीं ना कहीं रेवेन्यू की बात भी करते रहे कि उत्तराखंड को रेवेन्यू बहुत आता है शराब से। तो आप सोचिए कि महिलाओं ने मोर्चा खोला इस बात को लेके, शराब परोसने को लेकर शादियों में, पर पुरुष उससे कहीं ना कहीं पे इत्तेफाक नहीं रखते, और वो कहीं ना कहीं चोरी छुपे इन सब कामों को करते हैं। तो ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। इन्वेस्टर समिट के दिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टर समिट जरूर देखें, और उसके साथ साथ मंथन भी करें कि क्या हमारा उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट से पहले अपने अंदर आत्मचिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। या बड़े उन लोगों से मैं बोलता हूँ कि आप लोग होटल में जाकर 2000-2500 रुपये का रेस्टोरेंट में बिल दे देते हैं, उसके बारे में दोबारा सोचते तक नहीं है। मैं बोलता हूँ महीने में 1-2500 रुपये उत्तराखंड के लिए भी कहीं कंट्रीब्यूट करके देखिए। ये मान लीजिएगा कि आपने 2-2500 रुपये का किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, और इस 2-2500 रुपये से एक बच्चे का, किसी का भी खर्चा उठा लीजिए,
तो यही आपके स्वास्थ्य के लिए, मानसिक संतुलन के लिए, जिसको कहा जाता है कि बड़ी मानसिक संतुष्टि मिली मुझे आज, मैं उस फलाना जगह पे बैठ के मैंने कॉफ़ी पी, मैंने आज वहाँ बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खाया, तो इससे बड़ी संतुष्टि हो नहीं सकती। तो भारत एट नाइन में मैं इसी प्रकार के प्रोग्राम जब सोचता हूँ, कई बार मैं सोचता हूँ कि राजनीतिक प्रोग्राम करूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं किसी उस पर बात करूँ, पर मेरी चिंता कहीं ना कहीं हर उस व्यक्ति से जुड़ी रहती है जहाँ पर मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लिए हमें, हम सबको सोचना होगा। और ऐसा नहीं है कि सोचते नहीं हैं लोग, सोचते हैं पर करते नहीं हैं, वो सोच भर मात्र रहता है। और फिर बोलते हैं कि जिस तरह से आपने, मैं बड़ा एक ऐसा एग्जांपल दे दूं कि जहाँ पर आप लोग सोचते हैं कि जैसे शमशान में गए किसी की अर्थी लेकर, और वहाँ पर हम लोग सब त्यागने की भावना रखते हैं कि कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं है, सब मोह माया है, और उसके बाद वहाँ से बाहर कदम निकालते ही अपने फ़ोन पे वापस चालू हो जाते हैं उसी मोह माया में फंसने की फिर से तैयारियाँ। तो सिर्फ चर्चाओं में उत्तराखंड को ना रखें, इसको एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, हमें घर घर जाकर ये समझाना होगा और सरकारों से बात करनी होगी कि हमें किस प्रकार का उत्तराखंड चाहिए। जो बीत गया 22 साल, हम उसके बारे में चर्चा ना करें क्योंकि वो वापस नहीं आ सकता, उन गलतियों से हम सीख सकते हैं, पर आगे की अगर हम 15 साल के लिए कोई ऐसी स्कीम सरकारों से ले आएँ, एजुकेशन फ्री, हॉस्पिटल फ्री और पानी और बिजली आपके गाँव तक पहुँच चुका है, और कुछ ऐसी उपयोगशाला हम वहाँ को खुलवा दें जिससे कि हम वहाँ की भूमि को जांच पाएँ कि कौन सा राशन वहाँ हो सकता है, कौन से फल वहाँ हो सकते हैं जिससे हमारे यहाँ रोजगार आए, सिर्फ 15 साल। तो कहा जाता है ये सिर्फ 15 साल उत्तराखंड बेमिसाल तभी हो पाएगा, आप सबका योगदान, सब की सलाहें सरकार तक पहुँचे। और सरकार में बैठे हुए व्यक्ति कोई मशीन नहीं है, वो भी इंसान है जिनको अगर हम इस तरह की बात पहुंचाएंगे तो शायद इस पर जल्दी से जल्दी काम होगा। तो भारत एट नाइन आप देखते रहें, इसी प्रकार से मैं कोई ना कोई किसी न किसी समस्या पर आपसे बात करता रहूँगा, और उत्तराखंड को लेकर इन्वेस्टर समिट पे मैं उत्तराखंड सरकार को बधाई देता हूँ, और साथ के साथ अपने प्रोग्राम द्वारा इन कमियों के ऊपर भी ध्यान देने के लिए अपील करता हूँ कि प्लीज़ इन कमियों पर भी ध्यान दीजिए। रोड बनाने से उत्तराखंड नहीं बनेगा, उत्तराखंड में लोगों को वापस लाने से उत्तराखंड बनेगा, उसकी सुंदरता को खराब ना करें। और भारत एट नाइन आप हमेशा से आपके साथ और आपके विचारों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।